उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। सुबह से शुरू हुई बारिश अब भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक यह सिलसिला शनिवार तक जारी रहेगा। मॉनसून सीजन में गुरुवार पहला ऐसा दिन रहा जब यहां दिन भर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से अवध क्षेत्र में हुए अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। महोबा में 3, भदोही में 2 और वाराणसी में भी 1 व्यक्ति की जान चली गई है। बारिश की चेतावनी को देखते हुए लखनऊ, अमेठी, अयोध्या और उन्नाव में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करा दिए गए हैं। हालांकि नामांकन का काम जारी रहेगा। बारिश की वजह से लखनऊ का तापमान बुधवार के 32.3 के मुकाबले गुरुवार को पारा 7.1 डिग्री लुढ़ककर 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसे देखते हुए अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, लखनऊ, सीतापुर समेत अन्य जनपद के सभी स्कूल बंद रहेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, क्या अभी हालात वहां पर बने हुए हैं और राहत कार्य क्या क्या किए जा रहे हैं? देखिए, हालात की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे हो चुके हैं और लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में बारिश की भारी चेतावनी जारी की है। जिले कन्नौज, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी सहित तकरीबन और जिले हैं, 16 जिलों में अलर्ट है। और आपको बता दूं, 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, इन जिलों में, लखनऊ सहित इन जिलों में जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज प्रातः को ये निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में बारिश हो रही है और वहां पर जलभराव हुआ है तो जो संबंधित अधिकारी हैं वो ऑफिस से निकले और ऑफिस से निकल के उन स्थानों पर जाएं और जो जलभराव की स्थिति है उससे निपटे। और उसके अलावा जो लोगों को दिक्कतें हो रही है या जिन लोगों को जहां से बाढ़ आ गई वहां के लोगों को निकालना है अधिकारी, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? अभिषेक जी, जो स्लम एरिया होते हैं, छोटे छोटे एरिया होते हैं जहाँ पर पानी भर गया होगा, खाने के लिए नहीं पहुँच रहा होगा और जल भराव के कारण मुश्किलें हो रही होंगी, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही गंभीरता से इसको लेते हुए जो बारिश है इसको देखते हुए जो दिशा निर्देश है वो जारी किए हैं और जो अधिकारी हैं उनको उन क्षेत्रों में भेज दिया है जहां पर फिलहाल लोग अपनी अपनी छतों पर हैं या ऐसे स्थान पर हैं जहां पर उनको निकाला जाना है। वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंची हुई है। उसके अलावा जो जिले के जो डीएम है उनको बोला गया है, नगर निगम की जो टीमें हैं वो लगी हुई है, लोगों को उन इलाकों से निकाला जा रहा है जहां पर जल स्तर और बढ़ रहा है। और आमतौर पर क्योंकि बारिश अभी जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो तकरीबन शनिवार शाम तक के बारिश का कमोबेश यही हाल रहेगा। आमतौर पर जो अधिकारी है वो भी निकले हुए, जो लोग फंसे हैं वो निकाला जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए अभिषेक।